नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, डार से पिछुड़ा। पार्ट 7। बुधवार 9 फरवरी, हरनाई बम्बई, काठमांडू, दपोली, असगांव। सुबह के ठीक 9 बजे थे जबकि हरनाई से एक विशाल मोटर बोट अपने करीबी समुद्री सफर पर रवाना हुई। मोटर बोट पर भारत और स्पेन के झंडे लहरा रहे थे और उसे उसका मालिक मोडक चला रहा था। कॉकपिट में उसकी बगल में इरफान बैठा था। बोट पर जो 3 शख्स और मौजूद थे वो थे विमल, शिंदे और जैनिस। विमल का दिल जानता था कि कैसे उसने मोडक को स्पेनी टीम की गैर हाजिरी में वो मोटर बोट उन्हें इस्तेमाल कर लेने के लिए मनाया था। वो न मानता तो विमल को मोटर बोट उससे छीन लेने जैसा कोई पेचीदा रास्ता अख्तियार करना पड़ता। स्पेनियों को मोटर बोट की ज़रूरत शनिवार सुबह से पहले नहीं पड़ने वाली थी, लिहाजा एक मोटी रकम की एवज में परसों रात उनके काम के समापन के बाद तक मोटर बोट उनके हवाले थी। कंपनी की गार्ड्स के कहर का मोडक और उस इलाके के उस जैसे बाकी मोटर बोट चालकों को इतना खौफ था कि विमल को उसे समझाने में जी जान एक कर देना पड़ा था कि उनका कोई कदम कंपनी के खिलाफ नहीं उठने वाला था, उनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं था। डेक पर गोताखोरी का सामान पड़ा था और उसी सामान में एक मोर्चा खाई तलवार, एक तीर, एक कटार और चांदी की थाली पड़ी थी जो कि रंगत में काली पड़ चुकी थी। वो तमाम सामान पिछली शाम विमल ने बम्बई में वहाँ के चोर बाजार में स्थित एक क्यूरियो शॉप से खरीदा था। 10 बजे के करीब वो तेज रफ्तार मोटर बोट समुद्र में ऐसे स्थान पर पहुंची जहां से कि किला दिखाई देने लगा था। तब विमल के इशारे पर मोडक ने मोटरबोट की रफ्तार कम की। गजविलास फोर्ट की आसमान छूती सपाट दीवार धीरे धीरे करीब होने लगी। विमल, जो आंखों से दूरबीन लगाए था, एकाएक बोला, एक मोटरबोट आ रही है, कोस्टल पेट्रोल वालों की मोटरबोट जैसी। वही होंगे, शिंदे सस्पेंस भरे स्वर में बोला, कोस्टल पेट्रोल का यहाँ क्या काम? विमल ने सहमति में सिर हिलाया और दूरबीन एक ओर रख दी। फिर वो और शिंदे कपड़े उतारकर डेक पर पड़े गोताखोरी के लिबास पहनने लगे। वो लिबास लेटेक्स रबड़ की काली पोशाक थी जो कि जिस्म पर और सिर माथे पर चमड़ी की तरह मर जाती थी। पोशाक के साथ आंखें ढकने के लिए एक चश्मा था जो आंखें पर यूं मर जाता था कि गोताखोरी के दौरान उसमें पानी नहीं जा सकता था। उस पोशाक से बाहर पहनने वाले की नाक, मुंह और ठोड़ी ही दिखाई देती थी, यानी कि सूरज छुपाने का वो रेडीमेड जरिया था। फिर वो करीब खड़ी जेनिस की तरफ घूमा। उसने आंख भर कर उसकी तरफ देखा। वो एक टाइट जीन और स्कीवी पहने थी। तेज हवा में उसके कटे हुए भूरे बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे और उस घड़ी वो बला की हसीन लग रही थी। विमल की तवज्जो अपनी तरफ पाकर वो बड़े चिताकर्षक अंदाज से मुस्कुराई। जल्दी नीचे पहुंचो, विमल तत्काल उस पर से निगाह हटाता हुआ बोला, और जाकर अपनी तैयारी करो। ओके, वो पूर्वता मुस्कुराती हुई बोली। याद है ना क्या तैयारी करनी है या भूल गई? याद है, जानकर खुशी हुई। वैसे एक तैयारी तो मैं देख रहा हूँ कि तुमने कर ही ली हुई है। कौन सी? मुस्कुराना एन ऐसे ही है, ऐसे ही तौबा शिकन अंदाज में। उसकी आंखों में चमक आई, उसकी मुस्कुराहट और मुखर हुई। मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो अभी यहाँ पहुँच रहे हैं। वो सक पकाई, फिर तत्काल पहले उसकी आंखों से चमक गायब हुई और फिर होठों पर से मुस्कुराहट पूछी। सन ऑफ बिच, वो होठों में बुदबुदाई। अच्छी बात है कि होठों में कोई प्रार्थना बुदबुदा रही हो, ऐसी घड़ी में प्रभु का नाम लेना ही चाहिए। डर्टी रास्कल, नाउ गेट अलोंग, टाइम ज़्यादा नहीं है। बोट अब दूरबीन के बिना भी दिखाई देने लगी है। वो घूमी और तेजी से डेक से नीचे सैलून को जाती सीढ़ियां उतरने लगी। विमल ने अपना पाइप सुलगा लिया और उसके छोटे छोटे कश लगातार प्रतीक्षा करने लगा। मोटर बोट करीब पहुंची। विमल को उसके डेक पर कोस्टल पुलिस की सफेद वर्दियां पहने एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही दिखाई दिए। पांचों हथियारों से लैस थे। अगर पुलिस वाले होंगे, शिंदे धीरे से बोला, या बहरूपिये? कोस्टल पुलिस की वर्दी में कंपनी के आदमी? कोई हो, विमल लापरवाही से बोला, हमें क्या फर्क पड़ता है? शिंदे सहमति में सिर हिलाता खामोश हो गया। पेट्रोल बोट करीब पहुंची और उनकी मोटर बोट से सटकर खड़ी हो गई।
पेट्रोल बोट उनकी मोटर बोट के मुकाबले में इतनी छोटी और इतनी नीची थी कि सब इंस्पेक्टर के आदेश पर उन्हें नीचे पेट्रोल बोट तक रस्सियों की सीढ़ी लटकानी पड़ी, जिसके जरिए सब इंस्पेक्टर और दो सिपाही मोटर बोट पर चढ़ाए। सब इंस्पेक्टर की निगाह पैन होती हुई सारे डेक पर घूमी। विमल ने सहज भाव से उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है ऑफिसर? आज तो, सब इंस्पेक्टर बोला, साहब लोगों का पूना जाने का दिन था। करेक्ट, तो फिर इस बार सब लोग नहीं गए। ओह, सब इंस्पेक्टर की निगाह स्टेयरिंग के पीछे बैठे मोड़क पर पड़ी तो उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव आए। कैसा चल रहा है काम? बढ़िया, हमें आज ऐसे संकेत मिले हैं कि पुर्तगाली जहाज डूबा नहीं था, डुबोया गया था। अच्छा, लगता है कि डूबने से पहले उस जहाज ने बकायदा युद्ध किया था। युद्ध? ये देखो, विमल ने डेक पर पड़े सामान की ओर संकेत किया। ये सामान हमने आज ही समुद्र की तलहटी से बरामद किया है। सब इंस्पेक्टर ने सामान की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर मोर्चा लगी तलवार उठाई। ये तलवार तो शिवाजी महाराज के वक्त की मालूम होती है, वो प्रभावित स्वर में बोला। इस पर तो तब के मराठा साम्राज्य का शाही निशान बना हुआ है। वही निशान तीर पर भी है, विमल बोला, कटार पर भी है। सब इंस्पेक्टर ने उन दोनों चीजों का भी मुआयना किया। फिर उसने चांदी की थाली उठाई। साफ पुर्तगाली मालूम होती है, विमल ने तरह दी। सब इंस्पेक्टर ने यूं सहमति में सिर हिलाया जैसे उसकी पिछली कई पुश्तें पुर्तगाल में ही रहती आई हों। यानी कि, फिर वो बोला, अब तो डूबा जहाज मिल ही जाएगा। फटाफट तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन बात ठीक है तुम्हारी, मिल जाएगा। मुबारक। शुक्रिया। आज, सब इंस्पेक्टर के स्वर में फिर संदेह का पुटा गया। स्पेनी साहब लोगों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा। जब सब लोग पूना नहीं गए तो, हेलो, गुड मॉर्निंग। सब इंस्पेक्टर ने घूमकर आवाज की दिशा में देखा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो अपलक जैनिस की तरफ देखने लगा, जो कि उस घड़ी इतना संक्षिप्त बिकनी स्विम सूट पहने थी कि वो उसके सांचे में ढले जिस्म पर न होने के बराबर लग रहा था। वो पैरों में ऊंची एड़ी की सुनहरी सैंडलें पहने थी और आंखों पर बहुत बड़े बड़े काले शीशों वाले और सफ़ेद फ्रेम वाला धूप का चश्मा लगाई थी। उसके दोनों हाथों में एक ट्रे थी जिस पर 5-6 गिलास और बियर की दो खुली बोतलें रखी हुई थी। शिंदे ने लपक कर ट्रे उसके हाथ से ले ली। ऐश से रहना तो, सब इंस्पेक्टर विमल को कोहनी मारता हुआ धीरे से बोला, कोई इन विदेशियों से सीखे। विमल की जान में जान आई। सब इंस्पेक्टर के मुंह से निकले उस एक फिक्रे ने सिद्ध कर दिया था कि उनका ड्रामा कामयाब रहा था। जैनिस अपने रोल में पूरे नंबरों से पास हुई थी। जैनिस तौबा शिकन चाल चलती हुई सब इंस्पेक्टर के करीब पहुंची और अपने मोतियों जैसे दांत चमकाती बड़े मादक स्वर में बोली, हेलो ऑफिसर, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ बियर विद मी? नहीं, सब इंस्पेक्टर हक पकाया सा बोला, नो नो मैडम, आई एम ऑन ड्यूटी। ओह, जैनिस ने मुंह बिसुरा, दैट्स टू बैड, आई एम सॉरी। सॉरी हो ना सकता, मैडम के साथ चीयर्स नहीं बोल ना सकता। वो क्या है कि मैं बोला ना। फिर उसने एक गुप्त निगाह करीब खड़े विमल और शिंदे की ओर डाली। तुम अभी इधर ही है मैन, जैनिस अप्रसन्न स्वर में बोली, चार्ट रूम में नहीं गया? सॉरी मैडम, तत्काल, विमल बोला, अभी जाता है। फिर वो तत्काल नीचे जाती सीढ़ियों की ओर बढ़ा। शिंदे भी ट्रे को एक गोल मेज पर रख कर विमल के पीछे लपका। 10 मिनट बाद जब उन्होंने सीढ़ियों की ओट में से सिर उठाकर डेक पर झांका तो पाया कि डेक पर से दोनों सिपाही गायब हो चुके थे और अब जैनिस और सब इंस्पेक्टर दो फोल्डिंग चेयर्स पर अगल बगल बैठे यूं बियर चुसक रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बियर की दोनों बोतलें खाली हो चुकी थी। तब विमल जानबूझकर आहट करता डेक पर प्रकट हुआ और आदरपूर्ण स्वर में बोला, मोर बियर मैडम, आई डोंट माइंड, जैनिस बड़ी अदा से बोली। व्हाट डू यू से ऑफिसर? नो नो, सब इंस्पेक्टर हड़बड़ाया, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं, आई ऑलरेडी हैड इनफ, पहले ही जास्ती पिया। ओह, यू किल जॉय, आई एम सॉरी मैडम, सब इंस्पेक्टर यूं घिघियाया जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह बख्शवाने की कोशिश कर रहा हो। ऑन ड्यूटी नो ड्रिंक, रिमेंबर? यस, अब मैं इजाज़त मांगता हूँ। क्या मांगता है? इजाज़त, परमिशन, आपकी, मैं अब जाता हूँ,
जाता है? यस मैडम। फिर आना सकता? यस मैडम, प्लीज डू, यू आर सच अ हैंडसम मैन। थैंक यू मैडम, आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस यंग मैन। थैंक यू मैडम, सो यू डू कम अगेन? यस मैडम। तुम अपना नाम नहीं बोला, तुम्हारा नाम क्या होना सकता? खेलकर। खेलकर मैडम? खेलकर? तुम इधर खेलकर आया? कौन सा गेम खेलता है? खेलकर नहीं आया मैडम, मेरा नाम खेलकर है। ओह, नाम खेलकर है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम। एनीवे, सी यू अगेन खेलकर। सब इंस्पेक्टर ने उसका अभिवादन किया और वहाँ से विदा हो गया। वो अपनी मोटर बोट पर पहुँच गया तो विमल ने सीढ़ी वापस खींच ली। तत्काल पेट्रोल बोट वहाँ से रुखसत हो गई। तब तक शिंदे भी डेक पर पहुँच गया। तुमने तो कमाल ही कर दिया, विमल प्रशंसात्मक स्वर में बोला। मैं नहीं बोला था, शिंदे जैनिस के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला कि अपनी जैनिस सब संभाल लेगी। जैनिस ने शिंदे का हाथ अपने कंधे पर से झटका और उठ खड़ी हुई। मैं कपड़े बदल के आती हूँ, वो बोली। कौन से कपड़े बदल के आती हैं? शिंदे हंसता हुआ बोला। कपड़े हैं कहाँ, ये बोल, कपड़े पहन के आती हूँ। शट अप, जैनिस कहर भरे स्वर में बोली। शिंदे हड़बड़ाकर चुप हो गया। अभी नहीं, विमल संजीदगी से बोला, अभी पेट्रोल बोट ही टली है, कोई किले की दीवार से भी नीचे झांक रहा हो सकता है। ऐसे किसी शख्स को भी विदेशी मेम का नज़ारा होना ज़रूरी है और हमारा मकसद अभी हल नहीं हुआ। जेनिस कुछ क्षण अनिश्चित सी खड़ी रही और फिर वापस अपनी कुर्सी पर ढेर हो गई। थैंक यू, विमल बोला। जेनिस ने जवाब ना दिया। विमल ने दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। पेट्रोल बोट अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने दूरबीन का रुख दीवार की ओर किया, उधर भी कोई नहीं था। मोडक, विमल बोला, अब दीवार की तरफ चल। लेकिन उधर? क्या उधर? उसके पहलू में बैठे इरफान ने उसे कोहनी मारी। स्पेनी साहब लोग उधर कभी नहीं गया, मोडक बोला। कोई वांदा नहीं, जैसे ही अपना साहब बोला वैसे ही कर। हिचकिचाते हुए मोडक ने मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया और फिर उसे मंथर गति से किले की दीवार की ओर दौड़ाया। तब एक नया रहस्य उद्घाटन हुआ। मोटर बोट पर ऐन किले की दीवार तक पहुंचना असंभव था। पानी के नीचे दीवार से काफ़ी परे तक बड़ी बड़ी चट्टानें छुपी हुई थी, रात के वक्त जिनसे टकराकर मोटर बोट छिन्न भिन्न हो सकती थी। विमल ने आग्नेय नेत्रों से शिंदे की ओर देखा। अब मुझे क्या पता था, वो हकलाया। विमल खामोश रहा। बॉस, तू ग्रेट है, तभी तो तू बोला कि इधर का सर्वे बहुत ज़रूरी था, तभी तो। शट अप, वो तो मैं होता हूँ, लेकिन अब आगे कैसे बीतेगी? एक डोंगी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मोटर बोट यहाँ जहाँ तक पहुँची है, उससे आगे दीवार तक हमें डोंगी में बैठकर पानी में चप्पू चलाकर जाना होगा। फिर क्या वांदा है, शिंदे हर्षित स्वर में बोला। तभी तो बोला बॉस कि तू ग्रेट है। वापस चलो, विमल ने इरफान को आदेश दिया। तत्काल मोटर बोट वापस दौड़ पड़ी। होटल सी व्यू की चौथी मंजिल पर गजरे के आलिशान स्वीट के ड्राइंग रूम में गजरे समेत कंपनी के तमाम मौजूदा टॉप के अहदेदार मौजूद थे। ये श्याम डोंगरे की खुशकिस्मती थी कि उस मीटिंग में उसे भी शामिल किया गया था। गजरे पिछली रात होटल ब्लू हेवन में सोहल के साथ हुए अपने आमने सामने की कहानी सविस्तार सुना चुका था और उसकी कंपनी के तमाम अहदेदारों को मार गिराने की धमकी दोहरा चुका था। किसी ने उस धमकी को गंभीरता से न लिया। सबको मार गिराएगा, कावस बिलमोरिया अट्ठास करता हुआ बोला। हम कोई कीड़े मकोड़े हैं जिस पर दो एक ही पांव रखेगा और सबको मसल देगा। उसने, गजरे बोला, आप लोगों के नाम एक पैगाम भी भिजवाया है। क्या, रशीद पावले बोला, ये कि डूबते जहाज के साथ डूबना समझदारी नहीं होती। उसने कहलवाया है कि या तो आप लोग डूबते जहाज से किनारा कर लें या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहें। हैराम चादा, भाई सावंत गर्जा, कंपनी को डूबता जहाज बताता है? कोई साहब डूबते जहाज से किनारा करने के ख्वाहिशमंद हो? तत्काल विरोध के कई स्वर गूंजे। बढ़िया, गजरे बोला, यानी कि सोहल की धमकी में हम में से कोई नहीं आने वाला, सवाल ही नहीं पैदा होता। किशोर पिंगले बोला, हम कोई कोई और कोई नहीं। दशरथ किलकर बोला, हम एक हैं। फिर भी उस शख्स से सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, गजरे बोला, उस शख्स की हरकतें अनोखी हैं, उसकी खतरा उठाने की कैफियत बेमिसाल है,
उसकी हौसला मंदी काबिल तारीफ है। दुश्मन की तारीफ कर रहे हो बॉस, बिल मोरिया बोला। दुश्मन की ताकत को कम करके आंकना बेवकूफ़ी होती है, फिर जो हकीकत है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस ख्याल से अभी तक मेरी रूह कांपती है कि कैसे वो अकेला होटल ब्लू हेवन में मौजूद था और कैसे वो वहाँ मुझे एक भूंगे की तरह मसल सकता था। साहबान, अगर वो मेरे तक पहुँच सकता था तो वो आप में से भी किसी तक पहुँच सकता है। सुनने में ऐसा हो पाना असंभव लगता है, लेकिन जब हो जाता है, जैसा कि कल रात होटल ब्लू हेवन में हुआ, तो एक बार की जुबान से यही निकलता है कि अरे ये तो बहुत आसान काम था। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि उस शख्स से सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, जो शख्स कंपनी पर काबिज होने के ख्वाब देख रहा हो, बल्कि बकायदा ऐलान कर रहा हो। उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन वो अकेला है, पावले बोला। यही तो कमाल है उसका। शायद ना हो अकेला, सावंत बोला। जैसे पहले उसने तुकाराम के भाइयों से गठजोड़ किया था, फिर इब्राहिम कालिया से गठजोड़ किया था, वैसे ही शायद इस बार भी उसने अपना कोई जोड़ीदार तलाश कर लिया हो। कंपनी का ऐसा कोई दुश्मन आज की तारीख में है तो नाम बोलो उसका, मेरे को तो कोई नहीं दिखाई देता। तुकाराम, किलेकर बोला। तुकाराम अभी जिंदा है, लेकिन मुर्दों से बदतर हालात में, जैसे आजकल दान पुण्य करके अपना परलोक सुधारने का भूत उस पर सवार है। उससे लगता है कि वो महज चंद दिन का मेहमान है, बाकी एक वागले है जो अपनी बीमार मालिक के पलंग की पट्टी से जुड़कर रहता है। उनके चैम्बूर वाले मकान की निगरानी अभी जारी है, पावले बोला। जारी है, साल से जारी है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ है। अब जबकि इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि सोहल बम्बई में है, तो क्या वो तुकाराम से, बीमार तुकाराम से, बकौल तुम्हारे मौत की देहरी पर दस्तक देते तुकाराम से मिलने नहीं आया होगा? हमारा सिपह सलार कहता है कि नहीं आया। सबकी निगाहें डोंगरे पर पड़ी। नहीं आया, डोंगरे हड़बड़ाकर बोला। मेरी गारंटी, आने वालों दिनों में आ सकता है, बिलमोरिया उसे घूरता हुआ बोला। आएगा तो थाम लिया जाएगा, मेरी गारंटी। वो बम्बई में है, ये हमें तब मालूम हुआ जबकि वो कल गजरी साहब के सिर पर आन सवार हुआ। डोंगरे, हमें बम्बई में उसकी आमद की खबर क्यों नहीं लगती, जबकि शहर में हमारे इतने भेदिए हैं? डोंगरे से जवाब देते ना बना। अब जबकि वो बम्बई में है तो कहीं तो होगा, वो चैम्बूर में तुकाराम के घर में नहीं है, मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। सबने जोर का अट्टहास किया। डोंगरे का चेहरा कानों तक लाल हो गया। उस आदमी की कार्य प्रणाली बहुत अनोखी है, गजरे बोला। चिराग तले अंधेरा वाली मसल पर उसका बहुत एतबार मालूम होता है। सबूत के तौर पर दो बार, एक बार बखिया साहब के दौर में और दूसरी बार इकबाल सिंह के दौर में, वो हमारे इस होटल सी व्यू को ही अपना डेरा बना चुका है, और दोनों बार उसे कंपनी ने सारी बम्बई में ढूंढा, कहीं नहीं ढूंढा तो होटल सी व्यू में नहीं ढूंढा। आखिरकार दोनों बार उसकी यहाँ मौजूदगी की हमें खबर लगी भी तो इत्तफाक से। कहीं इस बार भी तो, पावले बोला, वो यही नहीं है? डोंगरे का जी चाहा कि वो उस घड़ी कॉल की होटल के बारे में विजिट का जिक्र करे, लेकिन फिर उसने वो ख्याल अपने जहन से निकाल दिया जब 10 प्यादों के सामने वो ये घोषित कर चुका था कि कॉल सोहल नहीं था, तो अब उसके शिंदे के संदर्भ में जिक्र से तो पेचीदगी ही पैदा होगी। क्या पता तब उस पर ये इल्ज़ाम भी आयद होता कि उसने खुद ही ये अहम फैसला क्यों कर लिया कि कॉल सोहल नहीं था, वो उसे पकड़कर कंपनी के हेडक्वार्टर में क्यों नहीं लाया था, जहाँ की बदनाम बेसमेंट में उसकी चंद मिनट ही खिदमत होती तो वो सब कुछ बक देता। खुद चेक करना है तो क्या, वो सक पका कर बोला। तेरा ध्यान किधर है, गजरे बोला। मैं बोला कि तूने फिर भी तस्दीक करनी है कि सोहल यहाँ नहीं है, और होटल के हर कमरे में ठहरे हर मेहमान को खुद चेक करना है। जी हाँ, ज़रूर, मैं खुद एक एक मेहमान को चेक करूँगा। पहचान लेगा सोहल को? हाँ, फौरन। वो कोई बहुत बड़ा बहरूपिया है, बहुत तरह के रूप बदल सकता है। मैं फिर भी पहचान लूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि सारे मेहमान तुझे एक जैसे ही लगे। जी, तू सबको एक आंख से जो देखता है। फिर अट्ठास हुआ। डोंगरे अपमान से जल उठा। उसका बॉस इस बात पर कटाक्ष कर रहा था कि उसकी एक आंख शीशे की थी। मेरे ख्याल से, पावले बोला, होटल के सारे मौजूदा स्टाफ की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
ख्याल बुरा नहीं। गजरे बोला, डोंगरे सुना तूने? जी हाँ। डोंगरे बोला, जी हाँ। बखिया साहब की मौत के बाद से गजरे उदासीन भाव से बोला, कंपनी के निजाम में एक खास खामी ये आ गई है कि काम होता तो बहुत दिखाई देता है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। लगता है हमारे लोग काम करने की खातिर काम करते हैं, काम की हासिल की खातिर काम नहीं करते। किसी कार का इंजन स्टार्ट करके एक्सीलेटर तो पूरा दबा दिया जाए लेकिन उसे गियर में ना डाला जाए तो इंजन तो बढ़िया चलेगा लेकिन कार कहीं नहीं पहुंचेगी। इकबाल सिंह के वक्त ये नुक्स और बढ़ गया था लेकिन अब ये नुक्स दूर होना चाहिए। अगर इंजन चल रहा है, पेट्रोल फूक रहा है तो कार को भी किसी मुकाम पर पहुंचना चाहिए। क्यों डोंगरे? जी हाँ। क्या जी हाँ? कार को किसी मुकाम पर पहुंचना चाहिए। मेरा मतलब है इस बार में जान लड़ा दूंगा सोहल की तलाश में और उसे बच के न जाने देने में। बढ़िया, गजरे आश्वासनहीन स्वर में बोला। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, बहरहाल इस बार सोहल से जंग में एक मामले में हम फायदे में हैं कि हमें मालूम है कि उसका निशाना क्या है। उसका निशाना कंपनी के अहदेदार होंगे। अब हमने अपनी मुकम्मल तवज्जो इस बात में रखनी है कि हम में से कोई उसका निशाना ना बने, बल्कि जब वो ऐसा करने के लिए आए तो हम उसका नहीं वो हमारा निशाना बने, वो जिंदा बचकर न जाने पाए। सबके सिर सहमति में हिले। आप सब लोगों की जाने कंपनी के निजाम के लिए पेश कीमती है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा दिनों में आप लोग बहुत बहुत सावधान रहें। ज़रूर, सब समवेत स्वर में बोले। हमारा सिपा सलार तो सोहल की तलाश में बम्बई को छानेगा ही। ज़रूर, डोंगरे बोला। क्या पता इस बार ये कामयाबी हो जाए सोहल के हम में से किसी को हिट करने से पहले। मैं जी जान लड़ा दूंगा इस बार सोहल की तलाश में। बढ़िया। फिर दादाओं की भी मीटिंग बर्खास्त हो गई। अपने वायदे के मुताबिक ठीक 1 बजे मयूरी कॉफ़ी हाउस में पहुंच गई तो श्रेष्ठ की जान में जान आई। उसने उठकर उसे फूलों का गुलदस्ता पेश किया और मुस्कुराता हुआ बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू मयूरी। थैंक यू, मयूरी हंसती हुई बोली। थैंक यू। तुम्हें ज़्यादा देर ना रुकना पड़े इसलिए लंच का ऑर्डर मैंने पहले ही दे दिया है। अच्छा किया। दोनों ने खामोशी से लंच किया। आज तुम बहुत खामोश हो, मयूरी बोली। क्या? और बहुत नर्वस भी लग रहे हो, बार बार तुम्हारा ख्याल कहीं और भटक जाता है, क्या बात है? कुछ नहीं, दरअसल मैं कल सुबह पोखरा जाने की सोच रहा हूँ। मुझे ये अंदेशा सता रहा है कि कहीं तुम्हारी माँ इनकार न कर दे। नहीं करेगी, मैंने कल ही उसे इस बाबत चिट्ठी लिख दी थी। फिर क्या बात है? फिर तो समझ लो कि मेरी चिंता खत्म। कॉफ़ी के दौरान भी श्रेष्ठ की गायब ख्याली और नर्वसनेस मयूरी ने नोट की लेकिन उसने फिर उस बाबत कोई बात न की। 2 बज गए, आखिरकार वो बोली, अब मैं चलती हूँ। ज़रूर, श्रेष्ठ बोला। अभी तुमने अपनी मैडम की ड्रेस लेनी होगी। नहीं, वो मैं यहाँ आने से पहले ही ले आई थी। यानी कि अब सीधे धूली खेल जाओगी? हाँ। जन्मदिन एक बार फिर मुबारक। शुक्रिया। और ये? शेष ने चॉकलेटों का एक बड़ा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। मेरी तरफ से जन्मदिन का छोटा सा तोहफा। तत्काल मयूरी के चेहरे पर खुशी के भाव आए। चॉकलेट वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। थैंक यू, वो बोली, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। क्या? इस डिब्बे को 3:15 बजे से पहले ना खोलना। वो क्यों? मैंने पुरोहित से खास मुहूर्त निकलवाया है। अगर तुम ठीक 3:15 बजे ये डिब्बा खोलोगी और चॉकलेट से मुंह मीठा करोगी तो हमारी इसी महीने शादी हो जाएगी और हमारा उम्र भर का साथ रहेगा। अच्छा, ऐसा पुरोहित ने कहा? हाँ बिल्कुल कहा, पशुपतिनाथ मंदिर के पुरोहित ने कहा। फिर तो मैं इसे ठीक 3:15 बजे ही खोलूंगी। 1/4 घंटा कार से धूलीखेल पहुंचने में शेष ने मन ही मन सोचा, 1/2 घंटे का मार्जिन, बढ़िया, शाबाश, प्रत्यक्षता वो बोला। और 2 मिनट बाद मयूरी चॉकलेटों का डिब्बा संभाले कार में बैठी धूलीखेल की ओर उड़ी जा रही थी। 2 बजे के करीब जैनिस आलोक संपत की फोटोग्राफिक स्टूडियो पहुंची। शिल्पा को उसने काउंटर के पीछे बैठे पाया। अरे, उसे देखते ही शिल्पा हैरानी से बोली, तू यहाँ? मैं तो तेरे घर जाने वाली थी। अच्छा हुआ नहीं गई, जैनिस बोली। कहाँ से आ रही है? वहीं से, जहाँ आज सुबह उन लोगों के साथ जाना था। बताया तो था तुझे? हाँ बताया था। बाकी लोग कहाँ गए?
कॉल अपने आदमी इरफान के साथ महाबलेश्वर गया है और शिंदे किसी काम से पूना गया है। कॉल मुझे असगांव छोड़कर आना चाहता था, लेकिन मैं यहीं उतर गई। अच्छा किया तूने। तू एक मिनट रुक, मैं अभी आई। फिर जैनिस के कुछ बोल पाने से पहले वो पिछवाड़े का दरवाज़ा खोलकर ऑफिस नुमा कमरे में दाखिल हो गई। भीतर उसका पति सोफे पर पड़ा ओंघ रहा था। यहाँ से हिलो, वो जल्दी से बोली। वो यहाँ आ गई है, उसे तुम्हारी खबर लग गई तो वो कोई बात नहीं करेगी। ओह, उठो जल्दी करो। वो उठा और लपक कर डार्क रूम में घुस गया। डार्क रूम का दरवाज़ा उसके पीछे मजबूती से बंद हो गया। शिल्पा वापस स्टूडियो में पहुंची। आ मेरी जान, वो अनुरागपूर्ण स्वर में बोली। जैनिस ऑफिस में दाखिल हुई। दोनों सहेलियां जाने पहचाने सोफे पर जाने पहचाने अंदाज में अगल बगल बैठ गई। कैसी बीती? शिल्पा बोली। विस्तार से बता। जैनिस ने ऐसा ही किया। विस्तार में कॉल की बेरुखी का जिक्र भी शामिल था और वो गालियां भी शामिल थी जो उसने कॉल को दी थी। यानी कि, शिल्पा बोली, वो लोग समुद्र की ओर से किले पर चढ़ेंगे और उधर से ही माल लेकर चंपत होंगे। ऐसा ही मालूम होता है। चढ़ कैसे पाएंगे वो किले की 150 फुट ऊंची सपाट दीवार पर? ये तो मुझे पता नहीं। किसी ने जिक्र नहीं किया? नहीं, पूछना था। अच्छा, पूछती तो कोई जरूर ही बताता। शिंदे तो बताता, आखिर वो तेरा बॉयफ्रेंड है, उससे पूछना था। उससे सबके सामने कैसे पूछती? फिर क्या बात बनी? शिल्पा असंतोष से बड़बड़ाई। जब वो पूना से लौटेगा तो मैं उससे अकेले मिलने की कोशिश करूंगी और फिर पूछूंगी। वो पूना क्यों गया है? बोला ना, उसे वहाँ कोई काम था। क्या काम था? पता नहीं, बताया नहीं उसने। और वो कॉल महाबलेश्वर क्यों गया? मुझे क्या पता क्यों गया, जैनिस चिढ़कर बोली। अरे, वो शख्स जो मुझे टाइम बता के राजी नहीं, मेरे से अपने ऐसे प्रोग्राम डिस्कस करेगा। हाय, मैं मर जाऊँ, शिल्पा उसे अपनी बाहों में भरती हुई बोली। तू तो गुस्से हो रही है, तू बातें ही ऐसी करती है। गुस्से ना हूँ तो क्या करूँ? दरअसल तू इस बात का गुस्सा मेरे पर उतार रही है कि कॉल तुझे कोई भाव नहीं देता। मेरे ख्याल से, फिर वो बोली, वो अपनी पूरी तवज्जो स्कीम पर रखना चाहता है, इसलिए अभी उसे तेरी तरफ तवज्जो देने की फुर्सत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है। देख लेना, कामयाबी हासिल हो चुकने के बाद वो बाज की तरह तेरे पर झपटेगा। एक बार, बस एक बार ऐसा हो जाए, सारी हेकड़ी निकाल दूंगी कम वक्त की। जरूर, छोड़ना नहीं कमीने को। वही तो, वैसे अब क्या कहती है तू, कामयाबी हासिल होगी उन्हें? जैसी शिद्दत के साथ वो आदमी स्कीम के हर पहलू पर गौर कर रहा है, जैसी वो तैयारियां कर रहा है, इससे तो यही लगता है कि वो जरूर कामयाब होंगे। लेकिन स्कीम की पूरी तौर से तुझे खबर नहीं, इस अहम बात की ही खबर नहीं कि वो किले में दाखिल होने में कामयाब कैसे होंगे। वो तो है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि निकासी का रास्ता उन्होंने उधर से ही सोचा हुआ है, जिधर तू आज सुबह होके आई है ना? मेरे ख्याल से तो है। तेरे ख्याल से है? दैट्स बेटर। शिल्पा एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, फिर भी स्कीम का कोई ठोस, कोई मुकम्मल अंदाजा हो जाता तो? हो जाएगा, जैनिस ने बड़े उतावले भाव से उसकी बात काटी। वो भी हो जाएगा, अभी है टाइम। मेरी जान, शिल्पा उसे अपने पहलू में भींचती हुई बोली, आज तो उखड़ रही है। जैनिस खामोश रही। एक बात बता, स्कीम में तेरे हस्बैंड का कोई प्रैक्टिकल रोल है? नहीं, कतई नहीं। यानी कि सब कुछ तीन जने ही करेंगे, कॉल, शिंदे और वो तीसरा आदमी, कॉल का आदमी, क्या नाम बताया था उसका? इरफान। बस तीन ही जने असल काम को अंजाम देंगे, ऐसा ही मालूम होता है। किसी और आदमी का अभी तक तो कोई जिक्र आया नहीं। शिल्पा कुछ खामोश रही और फिर एकाएक बोली, मैंने तेरे लिए एक चीज मुहैया की है। क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आज के तरक्की के जमाने की बड़ी अनोखी चीज। अरे क्या, कुछ बोलेगी भी? मैं ला के दिखाती हूँ। शिल्पा उठकर वहां से बाहर चली गई। जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में कार्डबोर्ड का एक छोटा सा डिब्बा था। वापस सोफे पर जैनिस के पहलू में बैठकर उसने वो डिब्बा खोला। ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर और रिसीवर सेट, वो बोली। ये जो सोडे की बोतल के ढक्कन जितनी बड़ी डिबिया है, ये स्पीकर है, और ये जो पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो जैसा लग रहा है, ये रिसीवर है। इस डिबिया जैसे स्पीकर की मौजूदगी में जो भी बात बोली जाती है, उसे इस रिसीवर सेट के जरिए
500 गज दूर तक स्पष्ट सुना जा सकता है। दोनों के बीच तार लगती होगी? ना, वायरलेस सेट है ये। मैं अभी तुझे इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देती हूँ। मैं ये स्पीकर सामने रखकर यहीं बैठती हूँ, तो रिसीवर लेकर बाहर सड़क पर डाक खाने से भी आगे निकल जाना। वहाँ ये स्विच ऑन करना और ये एरियल निकालना, फिर आके मुझे बताना कि तुझे क्या सुनाई दिया। वो तो ठीक है, लेकिन ये तू मुझे क्यों दिखा रही है? तू जा तो सही, फिर वो भी बताती हूँ। अनमने भाव से जैनिस उठी और रिसीवर के साथ बाहर निकल गई। 5 मिनट बाद वो वापस लौटी तो उसका चेहरा शर्म से लाल था। ओ माय गॉड, वो बोली, इतनी खराब बातें बोलने की क्या जरूरत थी? मजा आया सुनकर, शिल्पा धूर्त स्वर में बोली। सड़क पर खड़े होकर सुनना, कोई और सुन लेता तो? सुना तो नहीं किसी ने? नहीं, थैंक गॉड। मेरी आवाज़ तुझे साफ सुनाई दी थी? हाँ, लेकिन जैसे मुझे तेरी आवाज़ सुनाई दी थी वैसे क्या तू भी मेरी आवाज़ सुन सकती थी? नहीं, ये डिबिया सिर्फ स्पीकर है, ट्रांसमीटर है, और जो तेरे हाथ में है वो सिर्फ रिसीवर है। रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है आवाज़ को, ट्रांसमिट नहीं कर सकता। यानी कि ये एक तरफा सिस्टम है। तुझे एक तरफा सिस्टम की ही ज़रूरत है मेरी जान? मुझे बेधड़क कॉल की बातें सुनने के लिए, समझी कुछ? ओह, अब तुझे इस बात का अंदेशा नहीं रहेगा कि पहली बार की तरह कॉल तुझे फिर छुप के बातें सुनते रंगे हाथों पकड़ लेगा। ये तू मुझे दे रही है? अरे, मैंने इंतज़ाम ही तेरे लिए किया है इसका। आई सी, कॉल आज रात भी तेरे घर ही रहेगा ना? हाँ, और उसका साथी इरफान? उसका पता नहीं, रात आएगी तो मालूम होगा। तू किसी तरह से रात को कॉल का कोई व्यक्तिगत साजो सामान नहीं टटोल सकती? उससे क्या होगा? हो सकता है यूँ उसकी असलियत एक्सपोज हो सकता है स्कीम के वो कोई नोट्स बनाकर रखता हो जिन्हें पढ़कर एंड फिट अंदाजा हो सके कि असल में वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कितने जने मिलकर करेंगे और किसका क्या रोल होगा। ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगी? रात को घर में मेरा पति होता है, शिंदे होता है। अरे, शिंदे को मार गोली तू। फिर जैनिस को आंखें तरेरती पाकर वो हड़बड़ाई और जल्दी से बोली, मेरा मतलब है तो कोई ऐसी जुगत भिड़ा कि एक आध रात वो तेरे यहाँ ना रहे। ऐसा तो जुगत भिड़ाए बिना भी हो सकता है। हो सकता है वो आज रात पूना से ना लौटे। ऐसा कहता था वो? कहता तो नहीं था, लेकिन हो तो सकता है। फिर तो आज रात मौका है तेरे हाथ उस आदमी को समझने परखने का, उसे शीशे में उतारने का। मैं देखूंगी क्या होता है आज रात। देखेगी तो सही, लेकिन कुछ करेगी भी? करेगी ना। कोशिश करूंगी। और मौका आने पर इस ट्रांसमीटर रिसीवर सेट को भी इस्तेमाल करेगी? इसे तो ज़रूर करूंगी। जीती रहे मेरे कलेजे की ठंडक। कार भगतपुर से गुजर रही थी कि एकाएक एक कड़ाक की आवाज़ हुई और फिर उसकी रफ्तार घटने लगी। क्या हुआ? मयूरी बोली। जो सोच रहा हूँ, ड्राइवर बोला, वही ना हुआ हो। क्या? ड्राइवर ने उत्तर ना दिया। उसने कार को एक और करके रोका और फिर उतरकर उसका मुआयना करने लगा। गियर बॉक्स टूट गया। फिर वो कार के पहलू में खिड़की से बाहर झांकती मयूरी के करीब आकर बोला, तो 3-4 घंटे की मरम्मत का काम सिर पर आन पड़ा। इतनी देर मैं क्या करूँगी? मैं आपको टैक्सी तलाश कर देता हूँ। ठीक है। ड्राइवर टैक्सी तलाश करने चला गया। 15 मिनट बाद वो वापस लौटा। टैक्सी तो मिल नहीं रही, वो परेशान हाल स्वर में बोला। अगर बस में चली जाओ तो? ठीक है, बस स्टैंड करीब ही है, मुझे मालूम है। मयूरी चॉकलेट का डिब्बा संभाले कार से उतरती हुई बोली, मैडम की ड्रेस कार में ही है। कोई बात नहीं। मयूरी बस स्टैंड की तरफ बढ़ चली। 5 मिनट में उसे धूलीखेल की बस मिल गई। बस टूरिस्टों और स्थानीय लोगों से 3/4 भरी हुई थी। वो बस के मध्य में एक विलायती मेम की बगल में खाली सीट पर बैठ गई। बस धूलीखेल की ओर चल पड़ी। मयूरी बार बार घड़ी देख रही थी। अगर सच में 3:15 बजे का मुहूर्त था तो वो नहीं चाहती थी कि वो टल जाता। बस धूलीखेल से अभी 3-4 मील परे थी जबकि 3:15 बजने को हुए। उसने बड़े अरमान से चॉकलेटों का डिब्बा खोला और उसमें से एक चॉकलेट बार बाहर खींचने की कोशिश की। वो पता नहीं भीतर कहाँ अटकी हुई थी कि आसानी से बाहर न निकल मयूरी को उसे झटका देकर खींचना पड़ा। उस कोशिश में वो मिनिएचर डिटोनेटर स्विच ऑन हो गया जिससे डिब्बे के दोहरे तले में भरे पड़े
जेलिग्नाइट के नाम से जाने जाने वाले बारूद तक तारें पहुंची हुई थी। जिस थाई एक्सपर्ट ने श्रेष्ठ को वो बम बनाकर दिया था, उसने इस बात की गारंटी की थी कि वो किसी बड़ी से बड़ी इमारत को उड़ा देने के लिए काफी था, जबकि बस तो किसी बड़ी इमारत के एक बड़े कमरे के बराबर भी नहीं थी। शाम को खबरों के वक्त श्रेष्ठ एक ट्रांजिस्टर ऑन किए बड़े उत्कंठापूर्ण भाव से उस खबर को सुनने का इंतजार कर रहा था, जिसके लिए उसके कान तरस रहे थे। पहली ही खबर वो निकली। आज दोपहर बाद 3:15 के करीब काठमांडू से 20 मील दूर धूली खेल के पास एक भीषण बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट इतना भीषण था कि उसकी चपेट में आया एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। बढ़िया, उसने तत्काल ट्रांजिस्टर बंद करके एक तरफ फेंक दिया। बढ़िया, अब उसने फोन करके वो गुड न्यूज़ गजरे तक पहुंचानी थी और फिर बाकी के 40 लाख रुपए क्लेम करने के लिए बम्बई पहुंचना था। 8:00 के करीब इरफान विमल को असगांव में बापट की कोठी के सामने उतार कर गया। उसने जैनिस को घर में अकेली पाया। तुम्हारे साहब नहीं आए अभी? विमल ने सहज भाव से पूछा। आए थे, जैनिस मुस्कुराती हुई बोली। आके कहीं गए हैं, 9:30 लौटेंगे। और शिंदे? वो तो अभी लौटा नहीं। कमाल है, उसने तो गारंटी की थी अंधेरा होने से पहले लौट आने की। उसे तो मेरे से पहले यहाँ होना चाहिए था, कहीं अटक गया होगा। तुम्हारी बिटिया रानी भी दिखाई नहीं दे रही, बेडरूम में सोई पड़ी है। आज बड़ी जल्दी सो गई। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक वगैरह? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाकी लोगों के लौटने पर देखेंगे। वैसे भी मैं डेली ड्रिंकर नहीं हूँ। ओह, तो कोई चाय कॉफ़ी? हाँ, एक प्याली चाय बना दो, मेहरबानी होगी। विमल की चाय पीने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने महज जैनिस को वहाँ से टालने के लिए ऐसा कह दिया था। जैनिस किचन में चली गई तो एक सोफे पर ढेर हो गया। 5 मिनट में जैनिस एक ट्रे में चाय के 2 कप रखे लौटी। उसने ट्रे विमल के सामने की। थैंक यू, विमल चाय लेता हुआ बोला। दूसरा कप जैनिस ने संभाला और उसके करीब एक सोफा चेयर पर बैठ गई। विमल के आगमन पर जब उसने दरवाज़ा खोला था तो उस घड़ी वो एक झीनी सी नाइटी पहने थी। विमल को ये देखकर बड़ी राहत महसूस हुई कि अब उसके जिस्म पर स्कर्ट और स्कीवी थी। सुबह कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? वो बड़ी चिताकर्षक अंदाज से मुस्कुराती हुई बोली। बढ़िया, विमल बोला, पहले ही तारीफ कर नहीं चुका मैं? अब ये तो बताओ कि माजरा क्या है? माजरा तुम्हें मालूम है, ना मालूम होता तो जो कुछ तुमने सुबह किया उसे करने को तैयार ना हुई होती। वो तो मैंने अपने हस्बैंड के कहने पर किया। अच्छा, मैं तो समझा था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर किया। बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो फिर पति दो होंगे, एक ऑफिशियल और एक प्राइवेट। प्राइवेट? शिंदे, जैनिस के चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आए। छुप छुप के बातें सुनती हो, जिनकी बातें सुनती हो उनमें से 2 के पहलू में लेटती हो, फिर भी कहती हो कि माजरा नहीं मालूम। मिस्टर, वो तमक कर बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। विमल ने लापरवाही से कंधे झटकाए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? बादशाह अकबर और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शहजादा सलीम की स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। विमल खामोश रहा। कुछ क्षण खामोशी रही, जिस दौरान जैनिस बेचैनी से पहलू बदलती रही। मेरा मतलब था, आखिरकार वो बोली, कि असल माजरा क्या है, जो कुछ होने वाला है वो कैसे होने वाला है और उसमें कौन क्या करने जा रहा है। ये नहीं पूछा कि क्या होने वाला है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि तुम्हें मालूम है क्या होने वाला है। अरे, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम क्यों जानना चाहती हो? क्योंकि मुझे अपने पति की फिक्र है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे चक्कर में उसका कोई अनिष्ट हो। मेरे चक्कर में तुम्हारे पति का अनिष्ट नहीं होने वाला, अलबत्ता तुम्हारे पति के चक्कर में मेरा अनिष्ट हो सकता है। मुझे लालची उतावले नौसिखिए की सोहबत का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हो? हाँ। क्या हाँ? मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता हूँ। कौन हो तुम असल में? असल में क्या मतलब? मैं वही हूँ जो दिखाई देता हूँ। तुम ज़रूर कोई गैंगस्टर हो, तभी तो चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाए हो। विमल ने जोर का अट्टहास किया। हंसते क्यों हो? वह मुंह बिसूर कर बोली।
बात तो रोने की थी, लेकिन क्या करूं, हंसी निकल गई। तुम्हारी दाढ़ी नकली नहीं है? नोच के देखोगी तो यकीन आएगा, लगती तो साफ नकली है। मैं तुम्हारी पार की निगाह की दाद देता हूँ। विमल ने चाय का कप सामने मेज पर रखा और एकाएक उठ खड़ा हुआ। सफ़र से लौटा हूँ, इसलिए बेडरूम में जाकर जरा कमर सीधी करना चाहता हूँ, अगर घर की मालकिन की इजाज़त हो तो। हाँ ज़रूर, गो अहेड। थैंक यू। जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? किसी के बताए या बिना बताए जो कुछ भी तुम जानती हो उसको आगे कहीं ट्रांसफ़र करने का मतलब ये होगा कि तुम बहुत जल्द विधवा होना चाहती हो। क्या बकते हो? पहले ही ऐसा कुछ कर नहीं चुकी हो तो अब हरगिज़ न करना, कर चुकी हो तो उसकी हामी भरो ताकि तुम्हारी गलती को सुधारने का कोई इंतज़ाम किया जा सके। मैंने बोल तो दिया कि मेरा और कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ये जवाब ना मुनासिब है ना मुकम्मल है। कोई बेहतर जवाब सोचने के लिए अभी तुम्हारे पास वक्त है, कोशिश करना। और वो लंबी डग भरता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। पीछे जैनित भुनभुनाती सी बैठी रही। कैसा आदमी था वो, अपने सामने किसी की पेश ही नहीं चलने देता था। घर में तन्हाई का फ़ायदा उठाकर जिस माहौल को वो रोमांटिक बनाने की कोशिश में थी, पता नहीं कब उसने उसमें तलखी खोल दी थी। कमीने ने इस बात का नोटिस तक नहीं लिया मालूम होता था कि वो दोनों घर में अकेले थे। यूँ पेश आया था जैसे सामने सोफे पर जैनिस ना बैठी हो, खूंटे से बकरी बंधी हो। चाय के बहाने पहले उसे टाल दिया और फिर आराम के बहाने खुद टल गया। कितनी ही देर वो यूं ही भुनभुनाती रही और विमल को कोसती रही। आखिरकार वो अपने स्थान से उठी और विमल वाले बेडरूम के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजे को एक उंगली से धकेला तो पाया कि वो भीतर से बंद नहीं था। उसने उसे खोला। विमल भीतर पलंग पर अध लेटा सा बैठा पाइप की कश लगा रहा था। जैनिस दरवाजे की चौखट से एक कंधा लगाकर खड़ी हो गई। वो आंखें आधी बंद करके हौले से मुस्कुराई, फिर उसने एक जोर की अंगड़ाई ली। यस, विमल सहज भाव से बोला। शिंदे तो लगता है कि अटक गया पुणे में, आता नहीं मालूम होता। शायद सुबीर भी, वो बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोली। 9:30 से पहले नहीं लौटने वाला। हाँ बताया था तुमने मुझे। तो क्या? तो अब सब कुछ मैं ही कहूँ? नहीं, कुछ मैं भी कहता हूँ, बल्कि पूछता हूँ। क्या? जैनिस आशापूर्ण स्वर में बोली। पति से पूरी नहीं पड़ती, यार से पूरी नहीं पड़ती। क्या? वो हकबकाई। क्या कहा? डोंट यू गेट एनफ फ्रॉम योर हस्बैंड और फ्रॉम योर बॉयफ्रेंड? यू, वो तड़प कर बोली, यू डर्टी रास्कल, यू फिल्दी स्क्राउंडल, यू लाउची सन ऑफ बिच, यू। तुम मेरे सब्र का इम्तहान ले रही हो, आने दो मेरे हस्बैंड को, तब देखना। तब क्या होगा? तब मैं उसे बताऊंगी। तुमने मुझे घर में अकेली पाकर मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, मैं मनवा के मानूंगी। नतीजा जानती है क्या होगा? क्या होगा? अपनी बीवी की जात पहचानता होगा तो कुछ नहीं होगा, वरना अपने ही घर में तेरी आंखों के सामने मरा पड़ा होगा। कौन मारेगा उसे? उसका बुरा वक्त मारेगा उसे, और कौन मारेगा? तेरे भड़काए भड़क कर वो कोई गलत कदम उठाएगा तो मरेगा ही। मैं तो बस निमित होऊंगा उसको उसके उस अंजाम तक पहुंचाने में। उसके मुंह से बोलना फूटा। विमल अपने स्थान से उठा और जैनिस के सामने आ खड़ा हुआ। उसने ऐसी कहर भरी निगाहों से जैनिस को देखा कि जैनिस की रूह कांप गई। तू औरत है, विमल धीरे से बोला, सिर्फ इसलिए मेरे साथ इतना बुरा सलूक करने के बावजूद मेरे सामने अपने पैरों पर खड़ी है? किसी मर्द ने मेरे साथ इतनी बदजुबानी की होती तो वो कब का अपने बनाने वाले के रूबरू पेश हो चुका होता। तू इतनी मूर्ख है कि नहीं समझती कि तेरी मौजूदा ख्वाहिश तेरी आइंदा जिंदगी के हासिल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो मूर्खता कर चुकी सो कर चुकी, अब समझदार बन के दिखा। अब छोटे मोटे लालच छोड़ और बड़े बड़े ख्वाब देख, और मेरा यकीन कर कि वो सब के सब पूरे होंगे। आइंदा दिनों में तू चांद सूरज की भी ख्वाहिश करेगी तो वो तुझे हासिल होंगे, समझी? जैनिस का सिर अपने आप मशीन की तरह सहमति में हिलने लगा। नाउ, तब विमल के स्वर में नरमी आई और वो उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, बी अ गुड गर्ल एंड गेट अलोंग। मन मन के कदम उठाती जैनिस दरवाजे के पास से हटी। आधी रात तक विमल ने शिंदे के लौटने का इंतजार किया,
लेकिन वो न लौटा। कोई सवारी वगैरह मिलने में दिक्कत हो गई होगी, बापट ने आश्वासन दिया। सुबह आ जाएगा, विमल आश्वस्त न हुआ। बॉस बोला ना, वो आ जाएगा। ना आया तो जानते हो ना क्या होगा। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो ज़रूर आएगा। वो ना आना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो क्या जानता नहीं कि उसके बिना हम अपना स्कीम का पहला ही कदम नहीं उठा सकते। यही तो फिक्र की बात है। आ जाएगा बॉस, आ जाएगा, विमल फिर भी आश्वस्त ना हुआ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी हम जानेंगे इस उपन्यास के दूसरे भाग मौत के मुंह में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।